आएगी, क्योंकि पांचवा मंगल है, साथ साथ में प्रेम संबंध प्रगाढ़ता जहाँ चल रही है उसमें थोड़ा विवाद हो सकता है, और उसके बाद संतान के बाद में अब जो है सो आपकी जो है सो संतान तो अच्छी होगी ही संतान, लेकिन आपका जो है सो संतान से किसी से विवाद हो जाएगा संतान को लेकर, इसका विशेष ध्यान रखना ही सकता है, संतान को लेकर किसी से विवाद हो जाए इसको समझ करके रहना है। तो आपका जो पंचम स्थान पर राशि का स्वामी है वो चल रहा है, और आपकी राशि पे क्या चल रहा है, आपकी राशि पे केतु बैठे हुए हैं, केतु प्रसिद्धि का रख रहे हैं, अचानक काम जो होते हैं वो वृश्चिक राशि वालों को होने वाले हैं, और अभी तक वृश्चिक राशि बहुत ही कष्ट में चल रही थी, अब वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत सुखद समाचार है और शुभ समय है, इससे वृश्चिक राशि वाले दिन दूनी रात चौगने बढ़ेंगे, सारे ग्रह बाधा दूर होने, क्योंकि शनि आपका तीसरा आ चुका है, अब शनि से कोई बाधा नहीं रही, तीसरा शनि है, तीसरा शनि क्या है, आपके जो कुछ पढ़े हैं उसका तो उपयोग होगा नहीं, और पढ़ाई लिखाई से हटकर के जो अतिरिक्त ज्ञान जो आपके अंदर है अनुभव का ज्ञान, उसके माध्यम से आपका कैरियर बनने वाला है, यानी लक्ष्य को रख करके दूसरे लक्ष्य में आपका ज्ञान ध्यान है, उसी में आपको सफलता मिलने वाली है, और पढ़ाई लिखाई में कुछ कमजोरी आ जाएगी, बाधा आ सकती है, प्रतियोगिता में बाधा आ सकती है, इसलिए आपके जो है सो शनिदेव जो है सो ठीक नहीं है, तीसरे स्थान पर है, और यही शनि भाग्य को देख रहे हैं तो भाग्य में भी चोट पहुंचा रहे हैं, लेकिन तीसरे स्थान पर जहाँ बैठते वहाँ पूर्ति करते हैं, छोटे भाई बहनों का रख रखाव, रहन सहन, उनके वेशभूषा, उनका आवास, उनका भोजन भजन सारी व्यवस्थाएं उनकी आप अच्छी करेंगे, उनका सहयोग भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा, छोटे भाई बहन अग्रजा रवि अन्ना पृष्ठ जाश्च शनिश्चरः, अब शनि जब तीसरे होते हैं तो छोटे भाई को स्वास्थ्य गड़बड़ पैदा करते हैं, तो ये हो सकता है इस सप्ताह में भाग्य में चोट पहुंचा रहे हैं, धार्मिक यात्राओं कैंसिल करा रहे हैं, कार्यों में विनाश कर रहे हैं, और साथ साथ में आपके जो है सो अपव्यय कराने वाले भी हैं, जब आपके जो तीसरे चल रहे हैं शनि तो अपव्यय यानी हानि नुकसान पहुंचा रहे हैं, गुरु क्या कर रहे हैं, गुरु भी आपके जो है सो मकर राशि पे हैं, तो वो भी तीसरे हैं, तीसरे गुरु आपके पत्नी का भरपूर सहयोग मिल रहा है, उनकी सलाह आप मानते नहीं, उनकी सलाह से काम करेंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके गुरुदेव आपके स्थान से आपकी राशि से तीसरे हैं, इसलिए आप अच्छा फल देने वाले हैं, लेकिन जहाँ बैठते हो वहाँ पूर्ति करते हैं, और यही गुरुदेव आपकी तुला राशि से वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन मेघ वृक मिथुन और कर्क, तो आपके गुरुदेव भी अच्छा फल देने वाले हैं, और राहु देव क्या कर रहे हैं आपकी तुला राशि पे, तुला राशि वृषभ राशि पे है, सप्तम चल रहे हैं, आपके पत्नी का स्वास्थ्य संभाल के चलना है, क्योंकि अचानक कोई दुर्घटना हो जाए वो खास करके नाक का भय रहेगा, पत्नी को आपकी पत्नी को सर्प का भय रहेगा, इस सप्ताह है कोई सपने में नाक दिखेंगे, ये भी एक चमत्कार चीज बता रहा हूँ, तो आपकी पत्नी को सपने में नाक दिखेंगे, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई नुकसान दे नहीं रहेंगे, साथ में आपको स्वयं को भी थोड़ा सा अजीब सा जो है सो संस्मरण होंगे, बड़े भाई बहनों को भी कष्ट होगा, छोटे भाई बहनों को भी कष्ट होगा, क्योंकि राहु की दृष्टि जा रही है, इस प्रकार से राहु देव का कार्य आपके राशि पर है, सूर्य देव आपकी राशि पर आपकी तुला राशि से दूसरे हैं, दूसरे सूर्य होने से वृश्चिक राशि पर ही सूर्य चल रहे हैं, तो वृश्चिक राशि पर सूर्य चलने से
अपनी राशि पे है तो पत्नी स्थान को देख रहे हैं, तो पत्नी स्थान को बिगाड़ रहे हैं, स्वास्थ्य बिगाड़ रहे हैं और आपके स्वभाव को बिगाड़ रहे हैं, मन मुटाव हो रहा है, पत्नी से विवाद हो रहा है, ये करा सकते हैं। और बुधदेव भी आपकी राशि से राशि पर हैं तो व्यापार में वृद्धि होगी, बुध व्यापार का कार्य कर व्यापार में वृद्धि कराएंगे, अनेक स्रोतों से लाभ दिलाएंगे, नए नए व्यापार श्री गणेश करने वाले हैं, वो बड़े भविष्य में लाभान्वित करेंगे। केतु आपके लग्न में बैठे हुए हैं, आपकी राशि पर बैठे हैं, सिर पर चोट चपेट का निशान बना हुआ है आपके, उनकी एक प्रसिद्धि हो जाएगी है इस प्रकार से। और बचनाव भी रखना है क्योंकि अचानक दुर्घटना आ सकती है, क्योंकि आपके केतु आपके लग्न बैठे हैं और पत्नी से भी मनमुटाव करा सकते हैं केतु, क्योंकि सप्तम राहु हैं इस प्रकार से। और सूर्य हो और सूर्यदेव और मंगलदेव का मैंने बताया। अब चंद्रदेव की स्थिति क्या रहेगी वृश्चिक राशि वालों को। चंद्रदेव आपकी राशि वृश्चिक से, वृश्चिक धन मकर कुंभ यानी चतुर्थ चंद्रमा है, तारीख 22 और 23 को चतुर्थे कलहा गमा, मित्रों से विवाद हो सकता है 22 और 23 तारीख को, माता का स्वास्थ्य गड़बड़ हो या स्वभाव गड़बड़ हो, आपके वाहन में कुछ परेशानी आ सकती है, कुछ न कुछ ये चौथा स्थान है वो ठीक, सुख में बाधा, सुख से बेचैन बैठेंगे, सुख नहीं मिल पाएगा, बेचैन ज़्यादा रहेंगे। तो 22 और 24 और 25 तारीख को पंचमी ज्ञान वृद्धिश्च यानी जो पढ़ाई लिखाई करने वाले स्टूडेंट हैं उनको ज्ञान की वृद्धि होगी और अनेक प्रकार से मंगलमय उनका समय बीतेगा और पढ़ाई में भी मन लगेगा और प्रेम संबंध भी आपके प्रगाढ़ होंगे। इस प्रकार से 24 और 25 और 26 और 27 तारीख को छठ में व्याधि समायुता, कुछ व्याधि आ सकती है आपके कार्यों में, व्यवधान आ जाएगा, बाधा आ जाए, और कोई शत्रु बाधा हो, रोग की बाधा हो, सर्दी जुकाम हो जाए, सर्दी होना सुनिश्चित है, इसका भी ध्यान रखना है, हैं। और 27 और 28 तारीख को सप्तमी राज सम्मानम, आपका इष्ट मित्र आपका मान बढ़ाएंगे, जहाँ भी जाएंगे वहाँ मान बढ़ेगा, आपके घर मेहमान आएंगे और चारों तरफ आपका मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और दैनिक आय की गति भी अच्छी रहेगी। इस प्रकार से वृश्चिक राशि वालों को मंगलमय समय बीतेगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हरिओम। हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान, लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटरकास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण ब्लैक मैजिक या हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस, या पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी सौतन से, इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास। आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष ज्ञानी विशाल शर्मा जी से। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञानी और संपर्क करें, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7828913229। धन्यवाद।